तो इस वीडियो में बालक हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग 100 के आसपास वाले नंबर्स का, यानी कि 92-110 तक के नंबर्स का स्क्वायर देखते ही बता देंगे। बिल्कुल, नंबर को देखोगे और उसका स्क्वायर तुम बता दोगे, लेकिन पहले हम लोग अच्छे से उसे समझ लेते हैं, ट्रिक का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद तुम देखोगे कि बस नंबर को देखो और स्क्वायर बता दो। कैसे? ध्यान से देखो, मतलब कि इस ट्रिक को जानने के बाद बालक हम लोग 92 का स्क्वायर बता सकते हैं, देखते हैं, है ना। 94 का स्क्वायर बता सकते हैं, उसी तरीके से 97 का स्क्वायर बता सकते हैं, है ना। 102 का स्क्वायर बता सकते हैं, 108 का स्क्वायर बता सकते हैं, बस देखते ही बता सकते हैं। मतलब 90 से लेकर के 110 के बीच का जितना भी नंबर से बालक, उसका तुम स्क्वायर बता सकते हो। सीख लिया जाए। देखो, सपोज हमें 94 का स्क्वायर बताना है, तो कॉन्सेप्ट ये है बालक कि 94 को हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि 100 से कितना कम है, 100 से 94 कितना कम है। जिस नंबर का स्क्वायर बताना है, पहले कंपेयर कर लो कि वो 100 से कितना कम है। तो बालक, ये 100 से 6 कम है, 6 कम है ना, 94 100 से 6 कम है। तो पहले इसमें से 6 माइनस कर लो, 6 माइनस करोगे तो बालक 88 आ जाएगा, है ना। 94 से 6 माइनस करेंगे तो 88 आ जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप बड़ा इजी स्टेप है, जितना कम है उसका स्क्वायर करके लिख दो। 6 कम था ना, 100 से 94 6 कम था, 6 का स्क्वायर यहाँ लिख दो, 6 का स्क्वायर 36 हो गया स्क्वायर। बस यही करना है, यानी कि 94 का स्क्वायर जो है वो 8836 हो गया, 8836। बात क्लियर है? उसी तरीके से 92 का निकालना हो तो ये कितना कम है बालक, 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, 8 इसमें से माइनस कर लो। 92 से जब तुम बालक 8 माइनस कर रहे होगे तो 84 आ जाएगा, आएगा ना। और 8 का स्क्वायर कितना होता है बालक, 64 ना, 8 का स्क्वायर 64, मतलब जितना कम है उतना ही स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है, यानी कि 92 का स्क्वायर हो गया 8464। बात क्लियर है? यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया से समझ लेना। देखो, ये 3 कम है, 3 कम है, 97 3 कम है, तो 3 माइनस कर लिए, 94 आ गया। अब जब तुम 3 का स्क्वायर करोगे ना, जितना कम है उसी का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, मतलब सिंगल डिजिट आएगा। जब भी स्क्वायर करने पर बालक सिंगल डिजिट आ रहा हो तो उसके पहले एक जीरो लगा के डबल डिजिट बना लोगे, है ना, यानी कि 9409 लिख लोगे। मतलब 3 का स्क्वायर, देखो 100 से 97 3 कम था तो 3 का स्क्वायर 9, बट 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे। 9 लिखो या 09 लिखो, बात तो सेम है। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगा बालक, 97 का स्क्वायर हो जाएगा 9409। आई होप अब तुम बना लोगे। मतलब ये 100 से कम वाले नंबर्स का स्क्वायर था। अब देखो, यहाँ पर 102 का स्क्वायर निकालना हो तो देख लो कि 100 से 102 कितना बड़ा है, दो बड़ा है, दो बड़ा है, तो इसमें बालक दो ऐड कर दो, दो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 104, और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ लिख लेंगे 04, 2 का स्क्वायर 4 तो 04, जितना बड़ा था उतना का स्क्वायर करके लास्ट में हम लोग यहाँ लिख देंगे, है ना। उसी तरीके से देखो, अब तो तुम इसको बता दोगे, 108 का स्क्वायर, 8 बड़ा है तो 8 जोड़ दो, है ना, 116 आ गया, और 8 का स्क्वायर 64। बस, बात क्लियर है? आई होप तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे होगे इस ट्रिक का। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो अगर क्वेश्चंस आ जाता है तो वहाँ तुम देखोगे ज़्यादातर स्क्वायर करना होता है 90 से 110 के बीच वाले ही नंबर्स का, तो वहाँ ये ट्रिक तुम्हें बड़ा काम आ सकता है। या कभी भी मैथ्स में अगर तुम्हें 90 से लेकर के 110 तक के बीच का स्क्वायर निकालना हो तो तुम चुटकियों में निकाल सकते हो ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद। तो बालक, इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट ट्रिक जानने के लिए, कॉन्सेप्ट जानने के लिए वैदिक मैथ्स वाले प्लेलिस्ट को विजिट करो, वहाँ बड़ा मज़दार कॉन्सेप्ट बताया गया है, दो बताया गया है, ये तीसरा है, और भी उसमें हम लाने वाले हैं। तो बालक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।